फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था कि मैं एक राइडिंग शू लूँ, तो मैंने फाइनली ये बाइकिंग ब्रदरहुड का शू लिया है। अगर आपको ये शू देखना है तो आप बाइकिंग ब्रदरहुड के ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको ये शू दिखाई देगा। इसकी कॉस्ट है अराउंड 8,000 रुपीज़। तो ये शू के बारे में और मेरे जितने भी राइडिंग गेयरअप है उसके बारे में मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि मैं कौन सा जैकेट यूज़ कर रहा हूँ, कौन से ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ। हालाँकि एक सेपरेटली मतलब उसके वीडियो है हमारे चैनल पर, लेकिन पूरे डिटेल के साथ एक वीडियो मैं उसके ऊपर ज़रूर बनाऊँगा। तो आज हम जा रहे हैं साउथ मुंबई KTM सर्विस सेंटर में, बिकॉज हमें कल कॉल आया था और उन्होंने कहा कि हमारी जो हेडलाइट है उस पर एक अपडेट आया है, तो हम वो अपडेट करने साउथ मुंबई KTM जा रहे हैं। ये ECU अपडेट नहीं है, ECU अपडेट पहले था, जो हमारी बाइक है वो ऑलरेडी अपडेटेड होके ही आई थी, लेकिन अभी कुछ हेडलाइट के इशू सामने आए हैं। तो वो ऐसे है कि आप अगर बाइक राइड कर रहे हो तो KTM ऑटो हेडलैम्प के साथ आ रही है, तो आप बाइक राइड कर रहे हो तो वो लो बीम पे रहती है, तो ऑटोमेटिकली वो 2 या 3 सेकंड के लिए वो हाई बीम पे निकल जाती है, फिर से नॉर्मली लो बीम पे हो जाती है। तो ये इशू सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने एक न्यू अपडेट लॉन्च किया है, तो वही करने हम अभी साउथ मुंबई KTM में जा रहे हैं। तो हम और कुछ बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली वहाँ पे ही जाएंगे। चलो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. फ्रेंड्स, अभी तक हमें GoPro के लिए माइक नहीं मिला है, तो मुझे पता नहीं है कि आपको मेरी आवाज़ कितनी आ रही है। मुंबई में बहुत ट्रैफिक है एंड क्लाइमेट इतना गंदा है, कम से कम 1 वीक से मुंबई में प्रॉपर बारिश नहीं हुई है, और उसका रिज़ल्ट यह है कि बहुत पसीना आ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि एक बार समर अच्छा था, लेकिन रेनी सीज़न होके भी बहुत गर्मी है। मुंबई जैसे सिटी में बाइक ही चाहिए। बाइक के बेनिफिट्स बहुत है। तो फ्रेंड्स, हमारा सर्विस सेंटर इतना ट्रैफिक वाले एरिया में है, यहाँ पे कभी भी आओ आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसेस बहुत है तो ट्रैफिक बहुत होता है। गुड आफ्टरनून। फाइनली हम यहाँ पे मॉल में पहुँच चुके हैं। एक्चुअली ये शोरूम ही मॉल में है, तो फ्रंट साइड KTM का शोरूम है और उसके ही बैक साइड पे सर्विस सेंटर है। हेडलाइट अपडेट,
फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट का काम था वो कंप्लीट हुआ है। बहुत छोटा अपडेट था तो इसलिए जल्दी हुआ। साउथ मुंबई केटीएम की सर्विस सच में अमेजिंग है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि उनकी सर्विस अमेजिंग सर्विस है। जो सपोर्ट मिलता है उनसे वो सच में बहुत अच्छा है। अगर आप में से कोई 2017 ड्यूक 390 यूज़ कर रहा है तो वो भी एक बार अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर में कॉल कर लेना और पूछ लेना आपके बाइक के लिए कोई न्यू अपडेट आया है कि नहीं। और एक चीज़, अगर आप में से कोई GoPro Hero 4 के लिए माइक यूज़ कर रहा है तो प्लीज़ मुझे वो माइक मेरे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना, बिकॉज मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे GoPro Hero 4 के लिए प्रॉपर माइक नहीं मिल रहा है। और मुझे पता है कि आज का हमारा ब्लॉग छोटा है, कुछ ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको दिखाई नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मैं बहुत से चेंजेस करने वाला हूँ। और बस इतना ही आज के हमारे ब्लॉग में, इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।